दोस्तों एक वक्त था जब हम सुशील कुमार को गोल्ड मेडलिस्ट, पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित एक इंटरनेशनल रेसलर के तौर पर जानते थे। लेकिन सच तो ये है कि आज वो हत्या के आरोप में जेल की सलाखों के अंदर है। लेकिन दोस्तों ये सब देखने के बाद हम भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अब इनकी पहलवानी पर गर्व करें या फिर हत्या की वारदात पर शर्म। क्या थी सुशील कुमार की पूरी कहानी और कैसे सफलता की बुलंदियों से वो गिर पड़े जुर्म के इस दलदल में, जानेंगे सुशील कुमार की पूरी कहानी आज की इस वीडियो में। Factify, facts on your face. दोस्तों आज आप भले ही छत्रसाल स्टेडियम का नाम हत्या से जुड़े मामलों में सुन रहे हैं, लेकिन वो यही जगह है जहां सुशील कुमार ने 14 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग शुरू की और 2012 में पहली बार इस स्टेडियम के ही दो पहलवानों ने भारत के लिए पदक जीते। इसके बाद मानो छत्रसाल स्टेडियम सभी पहलवानों के लिए कुश्ती का मक्का बन गया, जिसे देश के कुश्ती के सबसे बड़े केंद्र के रूप में जाना जाने लगा। इसी स्टेडियम से योगेश्वर दत्त और रवि दहिया जैसे पहलवान भी निकले हैं और यहाँ सुशील कुमार और उनके ससुर सतपाल की तूती बोलती थी। अब ये सब हुआ कैसे और सुशील ने आखिर अपने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या क्यों की, उन सभी चीजों की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं सागर की दास्तां, जिसके पिता दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, जिन्हें एतबार था कि बेटा एक रोज पहलवानी में किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर तिरंगा लहराएगा। सागर के पिता बताते हैं कि सागर का पहलवानी के लिए जुनून इस कदर था कि बचपन के सारे शौक छोड़कर 15 साल की उम्र में ही सागर उनके साथ छत्रसाल स्टेडियम पहुंच गया था और उसने महाबली सतपाल के साथ साथ सुशील कुमार को अपना गुरु बना लिया था। सागर कितने प्रतिभाशाली थे इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो जूनियर नेशनल चैंपियनशिप जीत चुका था और उसका सपना ओलंपिक्स में देश के लिए पदक जीतने का था। लेकिन ये सब कुछ अधूरा रह गया। एक रिपोर्ट की माने तो सागर को अपने गुरु सुशील कुमार को खुलेआम बदमाश कहना भारी पड़ गया। और फिर वो रात आई जब सुशील ने उसे बताया कि असली बदमाशी होती क्या है। तारीख थी 4 मई 2021 और वक्त था रात के करीब 11 बजे। दिल्ली के मॉडल टाउन के एम ब्लॉक इलाके में कुछ लोग एक फ्लैट पर पहुंचे। इन लोगों के हाथ में हॉकी स्टिक और डंडे थे, जैसा कि आमतौर पर आप फिल्मों में गुंडों के हाथों में देखते हैं। फिर ये लोग यहाँ रहने वाले युवा रेसलर सागर धनखड़ और उनके दोस्तों को किडनैप करके वहां से ले गए। रिपोर्ट के मुताबिक सुशील कुमार नीचे कार में बैठे थे और उनके हाथ में पिस्तौल थी। गन पॉइंट पर होंडा सिटी कार में सागर और उसके साथियों को छत्रसाल स्टेडियम ले जाया गया, जहां सागर और उसके साथियों को जमकर पीटा गया। सभी बुरी तरह घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया। लेकिन इन सभी चीजों के बीच सागर ने दम तोड़ दिया। हत्या की असल वजह की बात करें तो पैसों के लेन देन की बात सामने आती है। सागर जिस फ्लैट में रहता था वो सुशील कुमार की पत्नी के नाम था और शायद वो बिना किराया दिए उस पर कब्जा कर रह रहा था। सुशील ने सागर से किराया मांगा तो सागर ने नहीं दिया। फिर सुशील ने साथियों के साथ मिलकर सागर को इतनी बुरी तरह पीटा जिससे उसकी मौत हो गई। और तो और मारपीट के दौरान सुशील ने उसकी वीडियो भी बनाई। हालांकि सागर के दोस्तों में से एक मौकाए वारदात से भागने में कामयाब रहा और उसने ही पुलिस को बुलाया, लेकिन तब तक सुशील वहां से रफू चक्कर हो चुका था और पुलिस से इस तरह भागा भागा फिर रहा था कि उनके ऊपर दिल्ली पुलिस को 1 लाख रुपए का इनाम तक रखना पड़ा। और इसके साथ ही सुशील और उनके साथियों को ढूंढने की कवायद शुरू हो गई। जैसे ही खबर बाहर निकली कि ओलंपियन रेसलर सुशील कुमार ने अपने जूनियर की हत्या कर दी है तो ये खबर आग की तरह फैल गई और हर तरफ सुशील कुमार की थू थू होने लगी। भागते फिर रहे सुशील कुमार के वकील लगातार ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि पहलवान को फंसाया जा रहा है, लेकिन सभी सबूत उनके खिलाफ ही इशारा कर रहे थे। और सागर के परिवार वालों का बस इतना ही कहना था कि अगर निर्दोष है तो फिर भागे क्यों। और दोस्तों सुशील कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड भी इतना साफ नहीं है कि उन्हें निर्दोष मान लिया जाए, क्योंकि ऐसे कई मामले पहले भी आ चुके हैं जहां सुशील कुमार पर उंगली उठते हुए नजर आई हो। लेकिन इस बार मामला दिल्ली पुलिस तक पहुंच गया। साथ ही हादसे के 10 दिन बाद
उन्हें गैर जमानती वारंट भी मिल गया, लेकिन सुशील अब तक फरार था और करीब 3 हफ्ते तक फरार रहने के बाद अंत में दिल्ली के मुंडका इलाके से पहलवान सुशील कुमार और उनके साथी अजय को गिरफ्तार कर लिया गया। न्यायिक हिरासत और इन्वेस्टिगेशन के दौरान मिले सबूतों के बूते सुशील कुमार अब जेल में बंद है। कोर्ट में उनकी पेशियां चल रही हैं और गवाहों को धमकियां भी मिल रही हैं। इधर सुशील जमानत चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस है जो ऐसा होने नहीं देना चाहती, क्योंकि उन्हें डर है कि बाहर निकलते ही सुशील विदेश न भाग जाए। जांच में ऐसी कई चीजें सामने आई हैं, जिसे सुनने के बाद कोई भी सोच में पड़ सकता है कि एक ओलंपियन जिसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, वो आखिर कैसे ऐसे काम कर सकता है। क्योंकि सुशील कुमार के लिंक देश विदेशों के कई गैंगस्टर से जुड़े हुए मिले हैं। इसके अलावा वसूली और कब्जे जैसे दलदल में भी उनके पांव धंसे हुए हैं, और अक्सर ज्यादा पाने की चाहत में लोग अपने वजूद को ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों, यही था आज के सफर में सुशील कुमार का पहलवानी के बाद गुंडागर्दी करने की कहानी, जिस पर देश भर के अखाड़े आज शर्मसार हैं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम पर आपका क्या सोचना है, अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।